हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है साउंड अब साउंड आ रहा है आपको पियूष गुड इवनिंग अब आवाज आ रही है बेटा ओके चलिए वेरी गुड ऑल सेट यस yes, प्रणेश देवाशीष ओके बेटा चलो आज हमारे पास समय कम है आपको मालूम है आज आप लोग का मॉक टेस्ट टू था मैथ्स का तो इसके लिए थोड़ा सा हमने सेशन को आगे बढ़ा दिया तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत कम समय है एक घंटे का समय है तो मैं प्लानिंग आपको दे देता हूं मैंने लास्ट क्लास में आपको आर पी ए से इनकम एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट बताया था आज मैं क्या करने वाला हूं इनकम एक्सपेंडिचर से मैं बताऊंगा आपको आर पी एके और इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर से आर पी ए बनाने के बाद में मैंने आप जो भी स्टूडेंट्स हैं एक्सेल के तो आपको मालूम है कि मैंने टेलीग्राम चैनल में आपको दे दिया है जो भी उसके जो नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं लेकिन जो नॉन एक्सेल स्टूडेंट हैं तो उनको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स डालें बेटा तो आप लोग भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना पोर्शन बच जाएगा जो क्वेश्चन बच जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड रखे हैं कि वो अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लेना क्योंकि आरटीपी हो गए पास एग्जाम क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के रखी है तो जो क्वेश्चन बचेंगे तो उनका मैं मंडे को मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा कि मंडे को मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो इस नोट्स में आपको दिए गए हैं उनका मैं रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब में डाल दूंगा ओके okay? चलिए अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं ओके okay? लेकिन आपको मालूम है बेटा थोड़ा तो कुछ तो करते हैं अपन आपको मालूम है पुराना ओके okay? पुरानी चीजों को करते हैं बेटा रिकॉल लेकिन कुछ नए अंदाज में क्योंकि समय कम है इसलिए मैंने क्या किया फटाफट क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके रखे चलिए ये देखिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने देखते हैं कौन आंसर देता बेटा सबसे पहले यस yes! क्या किया मैंने देखो आरपीए मैंने बना के दिया है यहां पर एक बार देखते हो बेटा ये मैंने बना के दिया बेटा आपको आरपीए आरपीए में मैंने क्या लिख के रखा है सब्सक्रिप्शन 2017 का सब्सक्रिप्शन हमको मिला है दो हजार रुपए टू थाउजेंड एटीन का इक्कीस हजार रुपए और आरपीए जो है ना वो है टू थाउजेंड एटीन का टू थाउजेंड एटीन का बेटा ध्यान रखना

कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा प्रणेश ने आंसर दिया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड कोमल का ट्वेंटी सेवन थाउजेंड जय ने आंसर दिया ट्वेंटी नाइन थाउजेंड अमन का ट्वेंटी सेवन हर्षिता ने ट्वेंटी सेवन मैक्सिम ट्वेंटी सेवन दिख रहा है लेकिन जय ने कुछ अलग तरीके से वर्किंग की है हाँ अब जय के पीछे पीछे मैं देख रहा हूं बेटा सिराज ने जय का साथ दिया है सृष्टि ने जय का साथ दिया है और शीतल ने भी साथ दिया है देखो बेटा देखो 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 समझ रहे हो आप मैंने जानबूझ के दिया है बेटा कुछ ट्रिकी पॉइंट ताकि आप लोग फंस जाओ और मेरे जाल में आप फंस चुके हो ओके चलो अब मैं आपको समझाता हूँ बेटा ये ट्वेंटी सेवन थाउजेंड क्यों दे रहे हो क्योंकि आपको लगा रहे हो तो वही क्वेश्चन है जो अपन ने किया था ऐसा नहीं है बेटा मैंने फिगर चेंज किया है चलो अब हम बात कर लेते हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताने में कि जो आंसर जो सही दिया है वो दिया है बेटा जय ने जय एंड उनके सपोर्टर ने बिल्कुल सही आंसर दिया आंसर इज ट्वेंटी तो फटाफट बेटा जिन लोगों का गलत आंसर है ना एक बार चेक कर लो कि गलती क्यों हुई है ना समझ आना जरूरी है चलो मैं फटाफट पे आंसर देता हूं बेटा आपको मालूम है इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है बेटा करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहे वो रिसीव हो गया हो या रिसीव नहीं हुआ हो चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आरपीए लेते हैं आरपी में करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दिया है बेटा इक्कीस हज़ार रुपये तो ये तो करेंट ईयर का है मतलब ये तो आएगा ही आएगा ठीक है प्लस प्लस अब देखो दो हजार सत्रह की बैलेंस शीट है पिछले साल की बैलेंस शीट में हमारा ध्यान देना चाहिए एडवांस सब्सक्रिप्शन की ओर क्यों क्योंकि ये पैसा पिछले साल मिल चुका था ये पैसा पिछले साल मिल चुका था लेकिन इनकम इस साल की है बेटा ठीक है तो पिछले साल तो लाइब्रेरी में दिखाए थे पर इस साल की इनकम है तो इसलिए ये छः हज़ार रुपये को प्लस किया जाएगा ठीक है जी ये प्लस किया जाएगा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपने कोई काम करनी है क्योंकि वो पिछले साल की इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा होगा ठीक है वो पैसा नहीं मिला था इसलिए एसेट में, मतलब में, में क्या लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन एक हजार रुपए तो दो हजार नौ का उन्नीस का है ना तो ये तो अगले साल की इनकम है अपने नहीं है लेकिन 2017 अब जरा यहां पे देखिए एसेट साइड में 2017 का अठारह सौ रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो ये तो 2017 का सब्सक्रिप्शन इनकम है ना वो अपने कोई कोई साल से कोई मतलब नहीं है लेकिन ये देखो बेटा 2018 का दो हजार अठारह का दो हजार रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब क्या हुआ आउटस्टैंडिंग इसका मतलब क्या हुआ ये ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं है तो इनकम तो करेंट ईयर की है ना भैया तो प्लस हो जाएगा दो हजार रुपए तो करेक्ट आंसर विल बी करेक्ट आंसर विल बी ट्वेंटी ओके चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर वन थोड़ा मैं स्पीड से चलाऊं बेटा अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हाँ जी बनाइए बेटा बनाइए फटाफट बनाइए बनाइए दोस्तों आंसर निकालिए बेटा देखते हैं इस बार कौन है सबसे तेज आंसर में यस yes. किसका आ रहा है आंसर देखते हैं बेटा फोर एट सिक्स जीरो जय ने आंसर दिया फोर फाइव नाइन जीरो अभी मैं बताऊंगा नहीं बेटा किसका सही है सिस्टी का आंसर है फोर एट सिक्स ज़ीरो और निकालिए और निकालिए फोर एट सिक्स ज़ीरो आभा ने आंसर दिया फोर एट सिक्स जीरो सत का आंसर है फोर एट वन जीरो ओके तीन टाइप के आंसर आ चुके हैं कोमल ने आंसर दिया फोर फाइव नाइन जीरो अमन फोर एट सिक्स जीरो शीतल का फोर एट सिक्स जीरो जय ने प्रूफ के साथ अपने आंसर को वापस से भेजा है शिवम का फोर फाइव नाइन जीरो पीयूष फोर एट सिक्स जीरो हर्षिता फोर एट सिक्स जीरो का फोर फाइव नाइन जीरो साकेत का फोर एट सिक्स जीरो चलो 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 बेटा मतलब आप देख सकते हो बेटा कि तीन से चार टाइप के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के और अब मैं बनाने वाला हूं बेटा सही आंसर क्या है और मुझे एक बार फिर बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है जय की जय हो जय की जय हो जय ने फिर से सही आंसर दिया प्रॉपर देखो बेटा सुनिए कैसे आएगा अरे सिंपल है भी आप कैसे देखो मैं ये बताना चाहता हूं आपको आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में आ, कोई या कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस के बारे में दो टाइप की इंफॉर्मेशन रह सकती है ईयरली रही तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने यहां बताया लेकिन यहां पर क्या लिखा देखो आरपीए चार हजार सब्सक्रिप्शन इसका मतलब क्या हुआ ये चार हजार पांच ईयर का नहीं है अरे भैया आरपीए अकाउंट में जो पैसा आ रहा है ना फोर फाइव डबल जीरो तो टोटल पैसा मिला है वो हो सकता है पिछले साल को इस साल को अगले साल को कुछ लिखा थोड़ी है तो अब जब टोटल अमाउंट दिया रहता है ना तो फिर अपना तरीका क्या होता है अपना तरीका याद कीजिएगा अपन ही लिखते बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ठीक है इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हम क्या करते हैं दो चीजों को प्लस दो चीजों को माइनस कुछ याद है क्या दो चीजों को प्लस दो चीजों को माइनस वो वो यहां पर हम करने वाले हैं तो देखो आपको पैसा कितना मिला 4500 पैसा कितना मिला बेटा 4500 अब इसमें कौन सी दो चीजों को प्लस करते हैं याद करो याद करो ये आपके दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए बेटा कौन सी दो चीजों को प्लस करते हैं एक अपन करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड का और एडवांस बिगनिंग का दिमाग में बैठा लो आउटस्टैंडिंग एंड का और एडवांस बिगनिंग का ये दो चीजों को ऐड करते हैं इनका जो दो उल्टा होता है उसको उसको आप माइनस कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को करेंगे माइनस और एडवांस एंड को करेंगे माइनस ठीक है तो अब हम लोग इसको देखते आते हैं ये देखो ये ओपनिंग है ना बेटा तो ये ओपनिंग देखो क्या लिखा है एडवांस एडवांस ओपनिंग 90 है तो ये एडवांस बिगनिंग का 90 है तो ये 90 प्लस हो गया इसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का है इसको माइनस में लिख दो ये देखो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 180 माइनस में तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसके बाद अब ये क्लोजिंग में क्लोजिंग में देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग का है नाइनटी तो एडवांस एंड को हम क्या करते हैं माइनस ये हो गया माइनस और आउटस्टैंडिंग जो एंड का है उसको करेंगे प्लस तो ये 270 सेवेंटी हमने कर दिया प्लस तो प्लस माइनस करके आ गया बेटा 4590 क्या आ गया बेटा 4590 अरे भैया जय क्या कर रहे हो आपने अगला क्वेश्चन का बिना क्वेश्चन देखा आंसर निकाल रहे हो ये तो गलत बात है बेटा ओके चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा आरपी अकाउंट में दिया है मैंने आरपी अकाउंट में राइट साइड लिखा है इसका मतलब क्या हुआ पेमेंट है तो हमने पेमेंट किया बेटा दस हजार रुपए स्पोर्ट्स मेटेरियल का फिर ओपनिंग स्टॉक एक हजार रुपए क्लोजिंग स्टॉक है दो हजार रुपए अब मैंने यहां पे दो बातें पूछी आपसे एक इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा तो आपको मालूम है स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाता है कितना जाता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो मेरे साथ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओके लगभग हाँ अब हुई ना बात बेटा सबका सही आंसर आ रहा है वेरी गुड ओपनिंग स्टॉक बेटा एक हजार रुपए ठीक है इसके बाद टेन थाउजेंड का परचेस है माइनस टू थाउजेंड का क्लोजिंग स्टॉक तो ये आगे बेटा नाइन थाउजेंड कंज्यूम्ड और जो कंज्यूम्ड होता है ये कहां जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में और अब मैंने एक और बात लिखी है यहाँ पे कि बताइए बैलेंस शीट में क्या आएगा तो नेचुरली आपको मालूम है कि हर क्वेश्चन में हमको दो टाइप की बैलेंस शीट बनाने पड़ आ सकता है एक ओपनिंग बैलेंस शीट दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों आएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट भी आती है क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आती है तो 1000 आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और 2000 आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओके तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी चलो बेटा अब हम बात करते हैं आज आज के कॉन्सेप्ट की ओके चलो बेटा तैयार हैं आज के कांसेप्ट को यस चलिए बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हाँ जी अब हम बात करेंगे रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आज का मेरा एक या दो क्वेश्चन का टारगेट रहेगा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इनकम एक्सपेंडिचर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और उससे आपको बनाना है आरपीए तो किन बातों को ध्यान रखना समझिएगा देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको आप आरपीए बनाओगे तो सबसे पहले तो क्या आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग आता है आरपीए अकाउंट में आपको मालूम है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सटेन ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस अब आपको बेटा देखिए सी सुनो, 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 आपको एक साइड होता है यहां पर एक्सपेंडिचर दूसरे साइड यहां पर क्या होता है बेटा इनकम अब इसके बेस पर एग्जाम जो क्वेश्चन है ना वो किस टाइप का रहेगा यह क्वेश्चन कैसा रहेगा साकेत नाइस स्टार्टेड विद क्वेश्चन हाँ बेटा आ, क्योंकि मेरे को मालूम है ना कहां का गलती कर सकते हैं इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आता हूं कंफ्यूजिंग जान कर, ओके चलो आगे बढ़ते बेटा इनकम एक्सपेंडिचर एक्सपेंस आ गया इधर इनकम आ गया और इसके साथ ना आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहता है ठीक है बहुत सारी बातें दी रहेगी और उसके बेस पर आपको बनाना है क्या है आरपीए अब हमको एक बात तो मालूम है वो बात मालूम क्या है कि आरपीए में यहां पे आता है रिसीट इधर आता है पेमेंट और रिसीट में सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस ठीक है ना कैश का भी आता है और बैंक का भी आता है और यहां पे आता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस किसका कैश का भी आएगा बैंक का भी आएगा ये तो आपको मालूम है अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता हूं अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता हूं कि जो इनकम एक्सपेंडिचर है ना इसमें आपको मालूम है केवल क्या के आता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंस आएगा इधर आएगा केवल रेवेन्यू इनकम लेकिन हमको एक बात मालूम है कि आरपीए में चाहे रेवेन्यू हो या कैपिटल हो ये सब आता है बेटा कोई भी पैसा मिलेगा वो आएगा कैश ट्रांजेक्शन है तो आएगा पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड ठीक है तो अब आरपी अकाउंट की शुरुआत में क्या चाहिए बेटा ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर में तो मिल नहीं सकता तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे रहेगा क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना तो उसमें आपको मिलेगा अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कभी कभी आपको बैलेंस शीट बना के दे देगा अच्छा बैलेंस शीट भी दो दो दे देगा एक दे देगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट और एक दे देगा क्लोजिंग बैलेंस शीट तो नेचुरली जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है चाहे वो सेंटेंस के फॉर्म में हो या बैलेंस शीट के फॉर्म में हो तो वहां से देखकर हम लोग ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख सकते हैं ठीक है हाँ तो ये पहला पॉइंट है देखिए ये पहला पॉइंट लिखा है असर्टेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस और बैंक ऑड्राफ्ट बैंक का ओडी भी हो सकता है फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट इफ अवेलेबल ठीक है एंड शो द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन डेबिट साइड एंड बैंक ओडाफ्ट ऑन क्रेडिट साइड ठीक है मतलब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस अपन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से निकालेंगे आगे बढ़ते हैं असर्टेन रेवेन्यू रिसीट रिसीव ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड एज अंडर मतलब अब आपको क्या करना है आरपीआई में जो जो भी अपनी रेवेन्यू सीट है ना वो आर वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में इनकम साइड दिखेगी तो वो कहाँ दिखाओगे जो इनकम है ना बेटा सीधी सी बात है जो इनकम है वो कहाँ दिखेगा रिसीड साइड और जो एक्सपेंस है वो कहाँ दिखेगा पेमेंट साइड सीधी सी बातें भैया एक्सपेंस का पेमेंट होता है और इनकम मिलती है ठीक है तो इसको बेस लेंगे अपन इसके बाद अब देखो क्या लिखा है असर्टेन रेवेन्यू पेमेंट फॉर एग्जाम्पल रेंट मेड ड्यूरिंग द करेंट अकाउंटिंग पीरियड ऑन ये कहां दिखेगा क्रेडिट साइड ठीक है मतलब कुल मिला ना जो इनकम है वो रिसीट साइड आएगा और जो एक्सपेंडिचर है वो पेमेंट साइड में आएगा लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का आता है जबकि हमको रिसीट पेमेंट में हमको टोटल कितना पैसा मिला या टोटल कितना पेमेंट किया वो रिकॉर्ड किया जाएगा इसके बाद असर्टेन कैपिटल रिसीट भैया आरपीए में तो दोनों आएगा ना रेवेन्यू भी आएगा कैपिटल भी आएगा तो अपने रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंस तो अपने इनकम एक्सपेंडिचर से ले लिया लेकिन जो कैपिटल रिसीट है तो कैपिटल रिसीट का मतलब क्या हुआ जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस मिला एंट्रेंस फीस मिला कोई फंड मिला एटसेट्रा ठीक है जो कहाँ दिखता है अपनी बैलेंस शीट की लाइबी साइड में तो वो हो गया अपना कैपिटल इसीट एंड कैपिटल पेमेंट कैपिटल पेमेंट का मतलब क्या हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि आपने कोई एसेट परचेज किया तो ये कहाँ से मिलेगा फ्रॉम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और बैलेंस शीट इफ़ अवेलेबल और बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑफ कैपिटल आइटम मतलब इसके लिए आपको दिमाग तेज रखना पड़ेगा कई बार आपको बैलेंस शीट दी रहेगी उससे आपको निकालना पड़ेगा कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी उसके बेस पे आपको निकालना पड़ेगा तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसके बेस पर हम निकालेंगे इसके बाद आगे बढ़ाऊँ सीधा इसके बाद जो भी बचेगा ना आरपीए का क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे पूरा पैसा आ गया पूरा पेमेंट आ गया उसके बाद जो बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस अब यहाँ पे एक खास बात लिखा है कि जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से जब आप आरपीए बनाओगे तो दो चीज़ों को छूट देना बेटा दो चीजों को लिखना मत एंटर मत करने देना वो दो चीज़ क्या है नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेड जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश है वो आरपीए में नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर की दो चीजों को रिकॉर्ड मत करना वो दो चीजें क्या है बेटा एक तो उसको रिकॉर्ड मत करना क्योंकि नॉन कैश है और दूसरा प्रॉफिट या लॉस इनकम एक्सपेंडिचर में रहता है उसको रिकॉर्ड मत करना अगर हमने कोई एसेट बेचा मान लीजिए मेरा क्वेश्चन बेटा आंसर देंगे मान लीजिए अपनी एक एसेट है दस हजार रुपए की उसको हमने बेचा है बेटा बारह हजार रुपए में ठीक है अपनी एसेट की बुक वैल्यू थी दस हजार की उसको हमने बेचा है बेटा बारह हजार में तो अपना जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना उसमें तो दो हजार रुपए का प्रॉफिट दिखेगा दो हजार रुपए का प्रॉफिट दिखेगा लेकिन मेरा सवाल है जब आप आरपी अकाउंट बनाओगे तो उसमें कितना अमाउंट लिखोगे आंसर देंगे आरपी अकाउंट में कितना आप अमाउंट लिखोगे बताइए बेटा क्या प्रॉफिट लिखोगे क्या इनकम एक्सपेंडिचर में दो हज़ार दो हजार रुपये जो प्रॉफिट है वो लिखू सिमरन ने करेक्ट आंसर दिया बेटा सबसे तेज वेरी गुड बेटा ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज यस देवासी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया कोमल वेरी गुड बेटा अमन ट्वेल्व थाउजेंड रमनवीर ट्वेल्व थाउजेंड शर्ट ट्वेल्थ थाउजेंड ओके शिवम ट्वेल्थ एक्सीलेंट एक्सीलेंट भैया आरपी में कहता है जितना पैसा मिला मतलब सेल प्रोसीड तो अपना सेल प्रोसीड कितना बेटा ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज तो हम आरपी में लिखते हैं जितना पैसा मिला तो ये दो हजार रुपए नहीं लिखेंगे हम हमें देखेंगे कि पैसा कितना मिला जितना पैसा मिलेगा उसको हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे ओके और इनकम एक्सपेंडिचर में आखिरी में जो सरप्लस और डेफिसिट है ना उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कैश आइटम थोड़ी है वो तो दोनों का डिफरेंस है तो वो नहीं आएगा तो ये दो चीजों को ध्यान रखना तो अब मैं आता हूं डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन में ओके चलिए लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से अब जैसे सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं क्योंकि एक इनकम की बात करूंगा तो वो सारे इनकम के लिए एप्लीकेबल होगा और एक एक्सपेंस की बात करूंगा तो सारे एक्सपेंस की बात हो जाएगी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं हम लोग ये बात करें बेटा कि अगर क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और उसके बेस पर हमको बनाना है आरपीए ठीक है थीके? ये अपना बेस है अब सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में दिया मतलब क्या हुआ ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा एक्चुअली ये कहां दिया बेटा इनकम गिवन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अब हमको क्या करना है बेटा इसमें प्लस माइनस करके सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से इसमें हमको क्या करना है इसमें प्लस माइनस करके हमको निकालना है कि सब्सक्रिप्शन मिला कितना करेंट ईयर में क्योंकि करेंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो पैसा मिलेगा वो अपने आरपी अकाउंट में आएगा तो अब आपको सिंपल एक चीज ध्यान रखना है अपन जो आरपीए से जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं ना तो आपको मालूम है दो चीजों को हम प्लस करते हैं दो चीजों को माइनस करते हैं यहां पर सेव आएगा लेकिन चीजों को उल्टा कर देना चीजों को उल्टा कर देना उल्टा कर देने का मतलब क्या हुआ जिनको प्लस करते थे ना अभी माइनस कर दो और जिनको माइनस करते थे उसको प्लस कर दो तो जो स्टेटमेंट जिनको इजी लग रहा है ना बेटा तो वो दिमाग में एक ही गंगा तो प्लस करते थे उसको करेंगे प्लस तो इसका मतलब क्या हुआ पहले मैं प्लस वाला बता दूं दो चीजों को प्लस करते थे अभी मैं लिखूंगा उन्हीं दो को लेकिन माइनस साइड में हाँ जी दो चीजों कौन कौन सा आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगनिंग ठीक है सेम कॉन्सेप्ट है प्लस वालों को क्या कर दो बेटा माइनस और इनका उल्टा अपन प्लस करते थे अभी मैं सॉरी माइनस करते थे अभी मैं प्लस कर दूंगा मतलब क्या आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग और एडवांस एट एंड तो ये जो आएगा ना बेटा ये जो आएगा ना इसको ये आएगा ये आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीवड ड्यूरिंग करंट ईयर करेंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन आया ये जो अमाउंट है ये आएगा अपना आरपीए अकाउंट में ओके okay, मेरे ख्याल से क्लियर है आपको और दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया था भैया आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो लोग सब्सक्रिप्शन जिनको अकाउंट बनाना पसंद है तो उसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है उसमें तो केवल फॉर्मेट आपको याद रखना है मैं आपको फॉर्मेट एक बार रिकॉल कर दूं यहां पे आता था डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस एसेट तो एसेट क्या होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना ये एसेट ओपनिंग बैलेंस तो ये दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस है ये आ जाएगा यहां पर ठीक है उसके बाद जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो एंट्री अपन बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन तो यहां पर आ जाएगा कैश ओके okay? ये आ गया इसके बाद इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कौन सा एंड वाला ईयर एंड वाला ये दिया रहेगा और जो लाइब्रेटी होती है लाइब्रेटी क्या है अपना एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइब्रेटी है तो जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ईयर एंड का वो यहां पर आ जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा और जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहां पर आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी 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 अभी मैं बात करता हूं यहां पे क्वेश्चन ये मैं सॉरी 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 इसको मैं चेंज करता हूं कलर ये देखिए यहां पर ना हम लिखते थे इनकम एक्सपेंडिचर ठीक है इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन में में क्या होगा इस में बेटा आपको इनकम एक्सपेंडिचर दिया है जो बचेगा ना जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये आएगा, आएगा, आएगा आपका आरपीए में मतलब अकाउंट में एक सुविधा आपको जरूर मिलेगी कि अकाउंट में फॉर्मेट एक ही रहेगा यही फॉर्मेट है मतलब उसमें क्या होता था

दो पांच मिनट की वजह से अपने को टेंशन नहीं आ जाए तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया है वो लेकिन बाकी आपकी मर्जी ओके चलिए तो अब ये हो गया पॉइंट नंबर इसके बाद अब मैं बात करता हूं आपको मालूम है बेटा सेकंड नंबर एक तो मैंने इनकम साइड बता दिया अब आपको हम बात करेंगे कि आपको एक्स इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम एक्सपेंडिचर से इनकम एक्सपेंडिचर में आपको कोई एक्सपेंस दिया हुआ है ठीक है इसको में जब लिखोगे तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा तो वही बात है बेटा ये एक्सपेंस जो करेंट ईयर का दिया ना ये इनकम एक्सपेंडिचर में आपको दिया रहेगा ठीक है अब इसमें अगेन बेटा दो चीजों को प्लस करो दो चीजों को माइनस करो उल्टा कर दो वहां जो प्लस करते थे इधर माइनस होगा वहां जो माइनस करते थे इसको प्लस करेंगे थोड़ा याद, याद करो याद करो याद करो मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या चीज को वहां पर करते थे प्लस वहां पर करते थे बेटा आउटस्टैंडिंग ईयर एंड का प्लस करते थे ठीक है और प्रीपेड बिगनिंग का प्लस करते थे प्रीपेड बिगनिंग का प्लस करते थे तो जो वो प्लस करते थे अभी हम क्या कर देंगे माइनस ओके और और वहां जो माइनस करते थे इसको कर देंगे प्लस तो वहां पे माइनस क्या करते थे इसका उल्टा आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का और प्रीपेड प्रीपेड एंड का ठीक है इन दोनों को प्लस करना इन दोनों को माइनस करना तो ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट अपना क्या कहलाएगा ये अमाउंट कहलाएगा इतना पेमेंट हुआ है और जितना पेमेंट होगा वो कहां जाएगा बेटा आरपीए में ओके हां बेटा अमरेंद्र फाउंडेशन का बिल्कुल सही बोल रहे हो आप हां इसके बाद अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मैंने दो बातें बता दी अब तीसरी तीसरी कॉन्सेप्चुअल बात तीसरी कॉन्सेप्चुअल बात ध्यान से सुनिएगा बेटा आप जब बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करोगे ना मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आंसर देना बेटा अभी आप लोग को आपको इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहता है बैलेंस शीट दिया रहता है तो बैलेंस शीट में इधर लाइब्रेटी साइड इधर एसेट साइड है तो मेरा सवाल है कि जब बैलेंस शीट के कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जो आपको आरपीए में दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो मिला होगा करेंट ईयर में तब दिखाना पड़ेगा तो लाइबी साइड का जो आइटम है वो किस साइड जाना चाहिए नॉर्मली आपके हिसाब से रिसीट में जाना चाहिए या पेमेंट में जाना चाहिए मेरे को आंसर देंगे बेटा फटाफट बैलेंस शीट को क्योंकि पढ़ते समय ना कुछ ट्रिक्स दिमाग में रखो आप तो आपका काम आसान हो जाएगा और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी मैं देख पा रहा हूं सृष्ट्री ने सबसे पहले आंसर दिया रिसीट शिवम ने रिसीट कोमल ने रिसीट आकाश ने रिसीट बोला अर्षद ने रिसीट बोला हर्षिता ने रिसीट लिखा प्राउड ऑफ यू बेटा आप सबको आप सबके ऊपर प्राउड हो रहा है मेरे को बिल्कुल सही बोले हो बैलेंस शीट में बेटा जो लाइब्रेटी है ना वो कहाँ आएगा आर पी में रिसीड क्यों अरे सीधी सी बात है भाई मान लीजिए बैलेंस शीट में आता है लोन मैंने करेंट ईयर में अगर लोन लेके रखा है बेटा चार लाख तो लोन लूँगा तो पैसा आएगा तो नेचुरली कहाँ पर आएगा बेटा ये आएगा रिसीट साइड चार लाख रुपए और ये जो एसेट है ये जो एसेट है ये एसेट कहाँ पे आएगा पेमेंट साइड क्योंकि एसेट हम परचेस करते हैं और जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हम उसका पेमेंट करते हैं तो अगर करेंट ईयर में आपने कोई पेमेंट किया एसेट का तो उस केस में वह कहा जाएगा वो जाएगा बेटा पेमेंट साइड में तो ये दिमाग में रखिएगा दिमाग में रखिएगा कि आपको बैलेंस शीट दिया ना तो बैलेंस शीट के लाइब्रेडी साइड में जो दिया ना वो पैसा अपने को आया होगा तभी तो अपने ऊपर लाइब्रिटी है और एसेट जब हम खरीदते तो अपने पास से कैश जाता है तो पेमेंट साइड आएगा तो एक इस बात को ध्यान रखिएगा और एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना मेरे बच्चों प्यारे बच्चों एक आखिरी बात ध्यान रखना और वो ये बात है कि आपको कई बार कोई जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसमें आपको एसेट के बारे में कुछ जानकारी दी रहेगी जैसे आपको एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे देगा एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दे देगा एसेट का डेप्रिशिएशन दे देगा दे ये कुछ ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ये कुछ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और अब सवाल होता है कि आरपी अकाउंट में क्या आएगा तो एक ही चीज होती है बेटा जो सबसे आसान होती है वो है आप बना लो बेटा एसेट का अकाउंट क्या बना लो किस एक तो सीधी सी बात है बेटा अगर किसी भी चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया ना तो बेटर में ऐसा होता है आप अकाउंट बना लो तो नेचुरली अकाउंट आपको याद है ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस आता है इधर आता है बेटा डेप्रिशिएशन इधर आता है बेटा क्लोजिंग बैलेंस ठीक है और अगर हम एसेट को बेच देते हैं तो जितने में आपने एसेट को बेचा जो बुक वैल्यू वो यहां पर आएगा फिर जो बैलेंसिंग फिगर है जो बैलेंसिंग फिगर इधर उधर कहीं पे भी आएगा ना वो निकल जाएगा कि इतना पैसा आया या इतना पैसा गया तो दिमाग में रखना कि एसेट के बारे में कोई या और भी किसी के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया ना तो बेटर होगा कि हम उसका अकाउंट बना लें ओके तो ये मुझे लगता है कि मैंने बेस बता दिया और अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं बेटा क्वेश्चन के द्वारा चलिए कम ऑन फास्ट मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर वन जी पढ़ते जाएंगे दिमाग को रखेंगे अपना चालू ओके okay? हाँ जी फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एंड द बैलेंस शीट बैलेंस शीट भी दिया ऑफ अ क्लब इट्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखो 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 यह कब का है नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन में दस नंबर का आया हुआ है एग्जाम का क्वेश्चन है आपका ओके तो क्या बोला है आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बना, बनाने बोला है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने बोला है देखो तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा तो इसलिए मैंने क्या बोला भले स्टेटमेंट आप रखो लेकिन अकाउंट आपके दिमाग में रहना चाहिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में देख लो आप फॉर दर हंड्रेड थर्ट फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ओके ठीक है जी अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अब मैं बढ़ रहा हूं आगे एक मिनट बेटा हाँ जी चलो क्या क्या लिखा है मतलब साफ सफाई के लिए प्रिंटिंग ये सब आपके क्या है बेटा ये सब है हमारे एक्सपेंडिचर और इधर हमारी क्या नेची इनकम है ठीक है सैलरी है डेप्रीशिएशन है रेंट है अब एक बार तुम्हारे में डेप्रीसिएशन अपने रिसीट पेमेंट में नहीं आता ठीक है इसके बाद इधर देखो सब्सक्रिप्शन है ये इनकम साइड है सेल ऑफ न्यूज़पेपर लेक्चर फीस है एंट्रेंस फीस है मिस्रिस् इनकम है डेफिसिट ये डेफिसिट भी नहीं आता मतलब ये पक्की बात है कि दो चीज अपने आर अकाउंट में नहीं आएगी चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ हाँ अब मैं बैलेंस शीट देखता हूँ बैलेंस शीट आपको दिया है थर्टी मार्च टू अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर कब का दिया देखो आप एटीन नाइनटीन मतलब जो बैलेंस शीट है ना वो कौन सा बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है ठीक है हाँ अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको दिया है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस तो ये आपको मालूम है कि सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अगर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ ये सब्सक्रिप्शन में बिंदी बना दिया कि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है इसके बाद देखो प्राइस फंड प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है सत्ताईस इंटरेस्ट अपने को मिला है इंटरेस्ट यहां पे ऐड किया आपको मालूम है ना कि कोई जिसके लिए फंड बनता है उसमें जो भी पैसा मिलता है उसको हम प्लस करते हैं तो अपने ग्यारह सौ रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो मिला है तो ये आरपी में जाएगा परते परते दिमाग में आपको बताया भी था बेटा कि लाइबिटी साइड में जो आएगा न, वो रिसीट जाएगा। तो ये रिसीट में आएगा पर ये माइनस हो रहा है तो माइनस होगा तो नेचुरली पेमेंट साइड जाएगा उल्टे साइड जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद जनरल फंड में देखो ओपनिंग बैलेंस है डेफिसिट है डेफिसिट कुछ नहीं आएगा एंट्रेंस फीस ये ऐड हो रहा है मतलब यह करेंट एंट्रेंस फीस है और करेंट एंट्रेंस फीस होगी तो ये कहां जाएगा बेटा रिसीट साइड में आएगा चलो अभी फर्नीचर फर्नीचर है ग्राउंड बिल्डिंग है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है कैश इनड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एटीन नाइनटीन का सेवन सेवेंटी ठीक है अब बोल क्या रहे नीचे में देखो आप फॉलोइंग एडजस्टमेंट में मेड ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग रिलेटिंग टू इन सेवेंटी मतलब अपकीप और प्रिंटिंग ये दोनों में एडजस्टमेंट है तो ये फटाफट मैंने मार्क कर दिया इन दोनों को लिखते समय मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा इसके बाद और क्या लिखा देखो वन आप वन फोर्थ ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपलाइज बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड मतलब एंट्रेंस फीस का जो वन फोर्थ है उसको कैपिटलाइज किया है तो थ्री फोर्थ इनकम एक्सपेंडिचर में तो वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मुझे जितना एंट्रेंस फीस मिला है तो वो मैं आरपी अकाउंट में दिखाऊंगा इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ठीक है सब्सक्रिप्शन में प्लस माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसव इन एडवांस ये भी आपको मालूम है फर्नीचर वॉर्ट परचेज ड्यूरिंग द इयर ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपको मालूम है कि हम करेंट ईयर में जो भी पैसा आएगा जाएगा वही आरपीए में आएंगे तो आपको क्या बोला फर्नीचर अपने करेंट ईयर में परचेस किया है इसका मतलब ये जो फर्नीचर है ना बेटा ये हमने करेंट ईयर में हमने परचेस किया है इसका मतलब ये अपने आर अकाउंट में आना चाहिए हमने फर्नीचर करेंट ईयर में खरीदा तो पेमेंट हुआ इस साल तो ये अपने आर अकाउंट में आएगा अच्छा अभी जो से ग्राउंड रन बिल्डिंग है ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है ये तो कैश इन एंड छोड़ दो मेरे को ये बताइए ये इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है तो कुछ बोल नहीं रहा तो क्या माना जाएगा बताइए कमेंट कीजिए बेटा ये इनके बारे में कुछ बोल नहीं रहा तो क्या करेंगे साकेत ने लिखा है अगर डेप्रिशन और सीएस दिया हुआ है तो बैलेंस कहां पे आएगा अभी बेटा समझ आ जाएगा मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको अक्रूड है नहीं, नहीं 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 बेटा ये बैलेंस शीट में मैं क्या बोला ग्राउंड एंड बिल्डिंग दिया है और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है तो और कुछ लिखा नहीं इसके बारे में तो हम क्या मानेंगे इसके बारे में हम मानेंगे क्या ये बिल्डिंग हमने करेंट ईयर में परचेस की है क्योंकि आरपी में आएगा करेंट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा या बिल्डिंग खरीदा होगा या मैं इसको मानूंगा कि पिछले साल का है वो पुराना है वाह बेटा वाह आपने बड़े नए तरीके से लिखा है शिवम आपने लिखे बड़े नए तरीके से मुझे बड़ा पसंद आया ये पुराना है बिल्कुल सही है हम ये मानेंगे कि पिछले साल की बिल्डिंग होगी तो इस साल के आरपीए में नहीं आएगा ठीक है प्रीवियस ईयर बिल्कुल सही है बेटा पिछले साल बिल्कुल सही है ओके शिवम मेरे को पहले वाला तरीका तुम्हारा पसंद आया था नीचे वाला नहीं पिछले साल नहीं बेटा वो पुराना है वो ठीक है बेटा प्रीवियस है बिल्कुल सही है चलो आगे बढ़े मतलब ये हमारे आरपीए अकाउंट में नहीं आएगा चलो ये सब बात कर लिए अब मैं स्टार्ट करूं बनाना हाँ जी आपको केवल बनाना बेटा इसमें आरपीए और एक बनाना सब्सक्रिप्शन अकाउंट ठीक है तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर आपको मैंने फॉर्मेट तो बता दिया तो मैं सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पहले बात कर लेता हूं देखो स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन जी बेटा पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट ये देखो मैं आपको मैंने इसको सॉल्व करके रखा है क्योंकि कई बार अपन बना चुके हैं देखो आप ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है बेटा ये देखो सब्सक्रिप्शन कब का है ओपनिंग बैलेंस सेवेंटीन का मतलब क्या हुआ ओपनिंग बैलेंस और इधर क्या लिखा देखो एडवांस आपको मालूम है बेटा ये एसेट है और ये लाइबी है तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है का क्रेडिट बैलेंस और ये भी कौन सा मतलब ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ठीक है फिर तुरंत दिमाग में क्या रखना इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा तो ये आ गया देख लो आप ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया दोनों का सॉरी सॉरी ये इस साइड है।, यह है।, है अब हालांकि देखो सही मायने में ना ये अगर मैं इसको मुझे लिखना चाहिए थोड़ा सा गलत है बेटा ये आखिरी में आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहां पर आना चाहिए बेटा सबसे आखिरी में तो आप सही कर लेना ओके तो अब उसके बाद उसके बाद क्या होता है जितना कैश मिलता है वो यहां पर आएगा क्योंकि एंट्री क्या बनाते हैं कैश तो हालांकि यहां पे, तो तो हाँ पे आ गया तो ये सिंपल है मतलब ये आना आपका बैलेंसिंग फिगर ओके तो अब मैं एक बार फटाफट फिगर देख लू स्टार्ट करते हैं ये देखो ये सब्सक्रिप्शन कहां दिया इनकम एक्सपेंडिचर में वन तो मैं टिक करते रहता हूं यह वन नाइन ठीक है ये इनकम एक्सफर्नीचर वाला आ गया ओके और अब मैं सबसे पहले लेता हूं बेटा ओपनिंग हाँ ये देखिए ये बैलेंस शीट पर ये बैलेंस शीट कौन सी बेटा क्लोजिंग तो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखा है क्लोजिंग में देखो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एक और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एटीन नाइनटीन का मतलब करेंट ईयर का सेवन ठीक है तो ये अपनी लाइब्रिटी है और ये अपनी एसेट है तो आपको मालूम है लाइब्रिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो किस साइड आएगा वो आएगा बेटा डेबिट साइड तो वन वन जीरो में और सेवन सेवन देखो वन वन जीरो अब ये देखो ओपनिंग जो है ना वो यहां पर दिया है। देखो आप ये थर्ड नंबर सब्सक्रिप्शन आउटसेडिंग सेवनटीन एटीन का एट एटी और एटीन नाइनटीन का सेवन सेवनटी अब ये देखो ये जो है ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दोनों साल का दिया है तो क्लोजिंग वाला तो अपन पहले लिख चुके ना ये देखो, ये देखो ये देखो ये देखो डबल डबल मत लिख देना बेटा ये तो क्या हुआ जबरदस्ती डबल डबल दे दिया दिया अपन तो क्लोजिंग बैलेंस शीट देख के समझ गए थे कि आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है तो हमारे काम का केवल क्या है ओपनिंग वाला ये देखो ये सेवनटीन एटीन का जो ना ये ओपनिंग है तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहां पर आएगा डेबिट साइड में क्योंकि ओपनिंग होती है एसेट तो ये हो गया एट देखिए ये आ गया एसेट साइड ओके और ओपनिंग बैलेंस देखो

एडवांस तो ये कहां पर आएगा क्रेडिट साइड में ये आ गया 220 और जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो क्या आ गया बेटा 52, ये अरे ये तो खास बात क्या है दोनों सेम आ गया चिंता मत करो बेटा पर अमाउंट अलग अलग है हमको करेंट ईयर में 19052 मिला और करेंट ईयर में जो मिलेगा वो आएगा आपका आरपीए अकाउंट के रिसीट साइड में तो ये देखिए ये आ गया अपना आरपीए या आरपीए में रिसीट में लिख लिखू बेटा 19052 ओके ये आ गया वन नाइन जीरो फाइव टू और अब मैं आगे बढ़ता हूं हा जी अब आरपीए में सबसे पहले क्या आता है मालूम ना आपको आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस आता है अब मजे की बात क्या है एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी नहीं दिया हुआ है और ओपनिंग बैलेंस शीट भी आपको नहीं दिया है इसका मतलब ये आरपी अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना ये ओपनिंग बैलेंस आएगा तो अभी इसको मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा ये मैंने लगा दिया बेटा क्वेश्चन मार्क ठीक है और अब अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं लिखते जाएंगे हम लोग हाँ जी सबसे पहले लिखा है देखो अपकीप अपकीप ऑफ ग्राउंड यह एक काम करता हूं पहले मैं इनकम लिखता हूं क्योंकि जो इनकम है ना जो इनकम साइड है वो किधर आएगा जो इनकम साइड है आएगा वो आएगा इनकम साइड अपना आएगा बेटा जो सॉरी जो इनकम साइड है वो आएगा अपना रिसीट में तो मैं आता हूं यहां पे सब्सक्रिप्शन वन नाइन जीरो हुए तो हुए तो हमने लिख भी दिया अकाउंट बना के इसके बाद अगला पॉइंट है सेल ऑफ न्यूज पेपर तो ये पैसा मिला है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है सीधा लिख दो लिखते हो बेटा सेल ऑफ फोल्ड न्यूज आ गया 286 ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते जाओ हां लेक्चर फीस वन कोई एडजस्टमेंट नहीं है अच्छा एक बार बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं है नहीं है बेटा बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है वन सिक्स फाइव जीरो लेक्चर फीस ये रिसीट पर लिख दो वन सिक्स फाइव जीरो बिंदी लगाने का मेन फायदा ये होता है हमको बता रहता है कहां पे रुक के देखना है कहां पे नहीं देखना है तो यहां पे बिंदिया नहीं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब है सीधा सीधा लिखते जाओ भैया हां आगे बढ़ो एंट्रेंस फीस देखो दिमाग तेज रखना पड़ेगा एनपीओ में एनपीओ थोड़ा सा टफ क्यों लगता है क्योंकि ना ये आ, ये आपको कई जगह आपको दिमाग लगना पड़ता है कि आरपीए में भी ये बैलेंस शीट है आपके दिमाग भी होना चाहिए बेटा और इनफैक्ट आपको क्या करना था जब बैलेंस ना उसमें तो एडजस्टमेंट है तो एंट्रेंस अपनी रेवेन्यू है फाइव और ये देखो एक बार ये सब मैं बेटा अब हटा देता हूं नहीं तो क्या होता है अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा ये मैं एक बार हटा रहा हूं बेटा सब चीजों को हा चलिए एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर में दिया है मतलब रेवेन्यू सीट है और ये यहां पर भी दिया है एंट्रेंस फीस तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा सात सौ पंद्रह रुपए भी तो इस साल मिला है तभी तो ऐड कर रहा है तो सेवन वन फाइव ये वाला और टू वन फोर फाइव वो वाला तो ये मैं लिखता हूं यहां पर टू वन फोर फाइव प्लस प्लस क्या क्या अमाउंट है बेटा टू वन फोर फाइव प्लस सेवन वन फाइव ये दोनों को ऐड कर दो टू वन फोर फाइव प्लस सेवन वन फाइव या आ गया बेटा टू एट सिक्स जीरो टू एट सिक्स जीरो एग्जाम में भी लिखना बेटा ये एग्जाम में भी ना इसको ब्रैकेट में लिख देना तो ये जो है ना टू एट सिक्स जीरो हम एंट्रेंस फीस मिला का अकाउंट बनाएंगे तो एग्जामिनर पर अलग इंप्रेशन बनेगा या स्टेटमेंट में हाँ शिवम बेटा देखो अगर आपको अकाउंट बनाने बोला तब तो बनाना है अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप स्टेटमेंट बनाइए या अकाउंट बनाइए और एक खास बात बताऊं आपको अपने इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम केस में स्टेटमेंट बनाया तो मैं रिकमेंड इसलिए कि आप स्टेटमेंट बना दो कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट बनाओगे तो कोई फर्क वो भी चलेगा बेटा है ना एज यू विश चलो आगे बढ़ रहे हाँ एंट्रेंस फीस हो गया मिस्ट्रम फोर फोर्टी लिख दो भैया मिस्टिंग फोर फोर्टी ओके हाँ इसके बाद और आगे बढ़ो अब क्या है डेफिसिट ये आपको लिखना नहीं है आपको मालूम है तो इसको मैं क्रॉस करूं कि भैया ये मेरा पूरा रिकॉर्ड हो गया ठीक है अब मैं पहले पूरा इनकम एक्सपेंडिचर खत्म फिर मैं कर बैलेंस शीट में हाँ जी अब ग्राउंड ग्यारह हजार रुपए इसमें बिंदी मतलब ग्यारह हजार रुपए तो मैं काम कर रहा हूँ ये देखिए पहले मैं यहाँ पे इनर कॉलम लिख देता हूं ग्यारह हजार रुपए यही आपका तरीका होना चाहिए एक्सपेंस में दिखाना पहले आप यहाँ पे पेमेंट दिखा दो ग्यारह हजार रुपए और अब देख लेते हैं क्या है प्लस माइनस ये देखो बेटा एडजस्टमेंट नंबर वन क्या लिखा है उंड छह सौ साठ रुपए रिलेटिंग टू सेवन एटीन पेड इन पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसको आपने ईयर में पे किया तो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा उसको करना पड़ेगा प्लस तो ये ये कितना हो जाएगा सिक्स सिक्सटी तो इसको कर दो बेटा सिक्स सिक्सटी आप कर दोगे प्लस तो, तो, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया वन वन सिक्स सिक्स जीरो और इसका सिंपल तरीका सोचने का ये भी हो सकता है कि ग्यारह हजार रुपए तो अपना करेंट ईयर का आपकी ऑफ छह सौ साठ पिछले साल का था तो सौ साठ अकाउंट कितना पेमेंट अपने करेंट ईयर में किया वो रिकॉर्ड होगा ठीक है जी आगे बढ़ते हैं प्रिंटिंग ये हो गया प्रिंटिंग कितना बेटा ग्यारह सौ इसमें भी बिंदी लगी है तो एडजस्टमेंट है तो लिख देता हूं पहले ग्यारह सौ रुपए हाँ अब देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट क्या है ये देखो ये प्रिंटिंग आ गया पहले नंबर पे 264 ये भी पिछले साल का इसको भी प्लस कर दो ये हो जाएगा प्लस टू ये आ गया वन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हां इसके बाद सैलरी है ग्यारह हजार एक सौ कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी लिख दो भैया चुपचाप ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह हजार एक सौ यह आ गया सैलरी इसके बाद आगे बढ़िए अब क्या लिखा है ऑन फर्नीचर डेपिशिएशन नहीं आता डेपिशिएशन नहीं आता ध्यान रखना तो इसको भी मैं कोई इग्नोर कर दूंगा इसके बाद रेंट है वन डबल सिक्स जीरो आएगा बिल्कुल कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा लिख दो रेंट वन डबल सिक्स जीरो ये मैंने रेंट लिख दिया बेटा वन डबल सिक्स जीरो ठीक है चलो अब हाँ ये जो पार्टन है ये मेरा कंप्लीट हो गया लेकिन बेटा डेपिशन ऑन फर्नीचर कहां पे काम आएगा मालूम आपको मैंने बताया था ना कि एसेट के बारे में अकाउंट बनाना पड़ेगा और क्योंकि हमको यह देखना पड़ेगा कि हमने कोई एसेट परचेस या सेल की है क्या तो फर्नीचर अकाउंट बनाओगे तो आपको क्लैरिटी आएगी तो डेपिसन वहां पे काम आएगा अभी काम नहीं आएगा पर वो अकाउंट बनाते समय काम आएगा इसलिए मैंने उसको राउंड करके रखा है ठीक है चलो अब मैं आता हूं बेटा बैलेंस शीट में चलिए बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं पर लोग बैलेंस शीट में पहले मैं लाइब्रेरी में, में आऊंगा और मेरा दिमाग में यह रहेगा कि जो लाइब्रेरी में दिया ना वो रिसीट साइड आना चाहिए इन जनरल हां अगर माइनस करके दिखाए तो भले वो पेमेंट साइड आ सकता है तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ये तो अपना एडजस्टमेंट हो चुका है भूल जाओ अब अगला पॉइंट है देखो प्राइस फंड हाँ जी प्राइस फंड इसमें क्या लिखा है बेटा ऐड किया अपना इंटरेस्ट तो हम ये मानेंगे कि हमको इंटरेस्ट मिला है हमको इंटरेस्ट कैश मिल गया क्योंकि अगर कैश नहीं मिलता तो यहां पर आपको दिखते रहता कि अक्रूड इंटरेस्ट एसेट साइड में नहीं दिख रहा है इसका मतलब समझो ना भैया वो कैश मिल चुका है और इस साल कैश मिला है मतलब वो रिसीट में आएगा तो इंटरेस्ट आ गया ग्यारह और हमने प्राइस दिया बेटा दो, दो तो प्राइस दिया इसका मतलब क्या हुआ हमने प्राइस का पेमेंट कर दिया कैश में पे किया होगा तो दो हजार दो सौ कहा पेमेंट साइड तो ग्यारह सौ रिसिट में और बाईस सौ रुपये पे पेमेंट में तो ग्यारह सौ पहले रिसीट में ये देखो ये आ गया ग्यारह सौ रुपए आ गया बेटा रिसिट में और ये प्राइस जो हमने पेमेंट किया कितना पेमेंट किया अपन ने ये अपन ने पेमेंट किया बेटा ट्वेंटी टू हंड्रेड यह मैंने लिख दिया ट्वेंटी टू हंड्रेड ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो ये भी हो गया इसके बाद जनरल फंड देखो ओपनिंग बैलेंस ये रिसिट नहीं है पिछले साल का है डेफिसिट कोई मतलब नहीं है एंट्रेंस फीस अपन लिख चुके हैं इसका मतलब मैंने लाइबिटी वाले पार्ट को कर दिया है बेटा कंप्लीट ओके चलो अब आते हैं अपन एसेट साइड एसेट में सबसे पहला पॉइंट है बेटा फर्नीचर सबसे पहला पॉइंट ऑफ फर्नीचर कितना लिखा है बेटा नाइन्टी नाइन हंड्रेड अब आपको एक बात मालूम है कि फर्नीचर में आपको यह दिया हुआ है देखो फर्नीचर वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब फर्नीचर अपने करेंट ईयर में परचेस किया है अब फर्नीचर के अमाउंट नाइनटी नाइन हंड्रेड मत लिख देना बेटा देखो मैं आपको वर्किंग नोट में बनाना है मैं यहां पे शॉर्ट में कर रहा हूं ये जो नाइनटी नाइन हंड्रेड है ना ये क्या है बिटा? क्लोजिंग बैलेंस नाइन नाइन हंड्रेड रुपीज लिख दो क्लोजिंग बैलेंस और आपने कितना लगा के रखा है ये देखो बेटा ग्यारह सौ रुपए कितना ग्यारह सौ रुपए इसका मतलब ये जो ग्यारह हजार रुपए है ना ये क्या बेटा कैश मतलब ने करेंट ईयर में फर्नीचर परचेस किया होगा बेटा ग्यारह हजार रुपए का तो अपने पेमेंट कितना किया है ग्यारह हजार रुपए तो इसलिए इसलिए पेमेंट साइड में पेमेंट साइड में आएगा बेटा अपना ग्यारह हजार रुपए ओके चलिए तो यह आएगा बेटा ग्यारह हजार रुपए यह लिख देते हैं यहां पे पेमेंट में ये आ ग्यारह हजार रुपए ठीक है चलो और देखें क्या लिखा है ये दोनों तो आपको मालूम है कुछ दिया नहीं मतलब अपन क्या मानेंगे ओल्ड है तो ये करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं तो आरपीए में नहीं आएगा इसके बाद कैश क्रेडिट दे दिया टू फाइव थ्री जीरो और कैश इन इंडिया मतलब क्या है क्लोजिंग बैलेंस शीट का है मतलब क्लोजिंग बैलेंस है तो टू फाइव थ्री जीरो आएगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया ये देखिए टू टू फाइव थ्री जीरो तो इस तरीके से हो गया बेटा आपका आरपीए अकाउंट कंप्लीट आपका हो गया आर अकाउंट कंप्लीट और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा अब जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो आएगा, आएगा अपना ओपनिंग बैलेंस ठीक है तो आप कैलकुलेट कर लो बेटा फटाफट कैलकुलेट कर लो आपको मालूम चल जाएगा बैलेंस कितना है देख लो आप कितना है वन सिक्स वन टू सिक्स वन सिक्स वन टू सिक्स तो ये आएगा अपना ओपनिंग uh, बैलेंस जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो आएगा अपना ओपनिंग बैलेंस ठीक है तो ये होता है बेटा अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है तो वहां से वहां से अगर आपको बनाना है आरपीए तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा तो ये अपना बेटा एक क्वेश्चन तो हो गया और अब प्रॉब्लम ये हो रही है बेटा कि है अपने पास दस मिनट लेकिन आपको मालूम है कि दस मिनट में कुछ होना जाने वाला कुछ भी नहीं है तो अगर आप मेरे को परमिट करें अगर आप मेरे को परमिट करें तो क्या मैं आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है इसको रिकॉर्ड करके क्योंकि आज आप लोग का टेस्ट भी रहा आप सुबह से पढ़ा पढ़ाई कर रहे होंगे आज एक्सेल में आज मॉक टेस्ट था आपका तो क्या मैं इसको परमिशन है बेटा शिवम ने ग्रांट कर दिया तो मैं इसको रिकॉर्ड करके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं तो उन पूरे क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाते हुए मैं आपको बेटा परसों मोस्ट वर् मैं कोशिश करूँगा कि मैं भेज दूँ अभी आपका दिमाग थक भी गया होगा क्योंकि आपने कौन सा पेपर दिया बेटा मैथ्स है ना अच्छा मैथ्स का पेपर कैसा गया बेटा और मॉक टेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसका क्या आपको कितना फायदा मिल रहा है कुछ बताएंगे बेटा अपनी अपने दिल की बातें थोड़ा सा पांच मिनट अपन करते हैं बेटा क्या लगता है जो हमारा ये सेकंड मॉक टेस्ट है और एक मॉक टेस्ट और होने वाला है आपको मालूम है तो इसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद बेटा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा आ रहा है क्या बेनिफिट मिल रहा है और अगर किसी की कोई स्पेशल कोई एक्सपीरियंसेस होंगे तो शेयर कीजिएगा ऐप में आंसर की प्रॉब्लम हो रही है अच्छा ठीक है बेटा मैं इसको जरूर से देख लूंगा क्या दिक्कत आ रही है इसको दूर कर लेंगे एक मिनट रुकिए बेटा मैं एक बार नोट कर लेता हूं आपका आपके जो स्पेशल कमेंट्स उसको एक बार नोट कर लेता हूं आंसर की प्रॉब्लम हो रही है ओके और कोई अपना पर्सनल ऐप में आंसर गलत रहता है ओके ओके बेटा ये मैंने नोट कर लिया है आंसर रॉन्ग रहता है तो इसको मैं एक बार देखूंगा जरूर से और बेटा बताइए आपको क्या फायदा मिल रहा है मतलब ये जो मॉक टेस्ट हम लोग लगातार लेते जा रहे हैं दो मॉक टेस्ट है एक और मॉक टेस्ट होने वाला है तो इससे क्या बेनिफिट मिला कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंस दो चार मिनट अपन और बात करते हैं उसके बाद शब्बा खैर गुड नाइट शुभ रात्रि करने वाले हैं अपन और एक मेरे को यह भी जानना है कि ये जो लाइव सेशन हुआ उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला मतलब जिनको एनपीओ में दिक्कत आ रही थी और लाइव सेशन के बाद उनको ईजी लगने लग गया ऐसा कुछ किसी के साथ हुआ कोई घटना ऐसी हुई अच्छा विजिबल नहीं होते क्वेश्चन क्लियर नहीं होता ओके okay. एनपीओ पूरा क्लियर हो गया हर्षिता वेरी गुड एनपीओ के लिए इतना तो शायद सफिशियंट होगा ओके okay, बिल्कुल बेटा कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअली पूरे कवर कर दिए तो इसलिए मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया है कि जो बाकी मैं जो लेक्चर को रिकॉर्ड करके दूंगा ना तो आपको मजा आ जाएगा तो आप स्पीड से बढ़ा के देख सकते हो उसको वेरी बेनिफिशियल थैंक यू बेटा पुराना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ठीक है बेटा तो अब मेरे को ये बताइए जो लोग रेगुलर लाइव क्लास आप लोग मैं देख रहा हूँ कि सब लोग आप लोग जितने भी लोग हैं रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं कंसाइनमेंट और एडिशनल क्वेश्चन चाहिए थे कंसाइनमेंट के आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए थे चलो ठीक है जी ये भी बेटा मैं नोट कर रहा हूँ कंसाइनमेंट के वैसे तो अपने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा ये पक्का है लाइफ का बहुत बेनिफिट हुआ एनपी अटैम्प्ट नहीं करने वाले थे पर अब जरूर अटैम्प्ट करूंगी हाँ बेटा यही तो मेरे को सुनना चाहिए बस इसी को मेरे को सुनने के लिए ना मेरे बेटा कान तरस रहे थे और अब मेरे को एक बात बताइए जैसे सर एनपीओ में कॉन्फिडेंस आ गया वेरी गुड बेटा अब मेरे को ये बताओ कि आ, एक्चुअल में मंडे को तो मैं आपको एनपीओ बचा हुआ डाल दूंगा और आपका फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा फुल कॉन्फिडेंस और जैसे मैं लाइव लेता ना मैं क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ ही मैं उसमें भी करूँगा मतलब आप तैयारी रखना बेटा है ना और आ, उसके बाद ट्यूजडे से आप लोग का मैथ्स का थोड़े दिन चलेगा लाइव सेशन जो कुछ बचा हुआ था सौरभ से लेंगे आपसे उसके बाद आ, एक स्टॉक टेकिंग का एक आ रहा है कि स्टॉक टेकिंग लेना चाहिए लेकिन स्टॉक टेकिंग बहुत ज़्यादा एग्जाम एग्जामड नहीं है कंसाइनमेंट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था बेस्ट एवर रीजन थैंक यू बेटा मैं ये बोला था कि स्टॉक टेकिंग तो ठीक है लेकिन आपको अगर लगता है कि स्टॉक टेकिंग के पहले अगर कुछ और ज्यादा आपको लगता है ना क्योंकि पार्टनरशिप कंपनी उससे रिलेटेड कुछ आपको लगता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको भी टेकअप कर सकता हूं साके थैंक यू बेटा कंसाइनमेंट एनपीओ बहुत इजी लग रहा है वेरी गुड Uh, सिस्टीन रेखा है जेएलपी रिवीजन यू कैन डू रिडम नहीं बेटा रिडम्शन डिवेंचर आपके सिलेबस में नहीं है यह सिलेबस में नहीं है बेटा डेप्रीशिएशन प्रोविजन एक बार पार्टनरशिप अकाउंट का रिवीजन ओके फाइनल बेटा साकेत फाइनल अकाउंट का रिवीजन तो मैंने क्लास में भी लिया है और वो बेस्ट रिवीजन था मतलब आप देखना ऐप में पढ़ा होगा तो आप उसको रिवाइज कर लेना खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप शिवम जेएलपी ओके पार्टनरशिप की क्लास लीजिए ओके पार्टनरशिप जेएलपी ठीक 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 डेप्रिशिएशन प्रोविजन ये ठीक है कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट ओके ओके ठीक है बेटा आपका मैं कमेंट देख पा रहा हूं तो मैं एक काम करता हूं मैं मुझे लगता है कि स्टॉक टेकिंग को चेंज इन पीएसआर ठीक है ठीक है इशोर डिबेंचर बैलेंस शीट ओके okay. जे का सिर्फ कॉन्सेप्ट और कंपनी अकाउंट के क्या बैलेंस शीट कंपनी का प्रोराटा ठीक है जॉइंट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट ओके पार्टनरशिप बैलेंस शीट का शेयर ओके ओके बेटा ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ बेटा जो स्टॉक टेकिंग है ना क्योंकि वो एग्ज़ाम में आने की संभावना कम होती है तो उसको ज़्यादा अपन तवज्जो नहीं देते ठीक है और आ, मैं अभी भिड़ता हूँ आप लोग के लिए पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टनरशिप में सोलह नंबर का क्वेश्चन आना तय है तो उसको एकदम होल्ड करना स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा ठीक है बाकी जो बोले ना जैसे चेंज इन डेपेशन मेथड वो सब बहुत बड़ा इशू नहीं है और हां राहुल जो मैंने डेपिशन का भी रिविजन लेक्चर लिया था क्लास में वो भी ऐप में एक्सेल के ऐप में पढ़ा होगा बेटा तो उसे आप रिवाइज करेंगे ना तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो चलो ठीक है बेटा मैंने नोट कर लिया कि मैं अगला टारगेट रखता हूँ बेटा पार्टनरशिप ठीक है तो ओके okay, तो इसके साथ आपसे मिल के एक बार फिर बहुत मज़ा आ गया बेटा तो थैंक यू एंड गुड नाइट बाय बाय टेक केयर हाँ अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें बेटा आपको मालूम है बहुत ही सेंसिटिव समय चल रहा है हमारा तो अपना जरूर से बेटा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत की आपने तो बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा सोशल डिस्टेंसिंग जो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स सबको मालूम है क्या करना है तो बेटा अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए ओके बाय बाय टेक केयर